हेलो एवरीवन, आज मैंने बनाई है तहरी। तो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, पर खाने में इतनी टेस्टी बनेगी ना। जब भी कभी हमारा कुछ भी बनाने का मन नहीं होता और हमें फटाफट खाना बनाना होता है, तो बस दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि चलो खिचड़ी बना लेते हैं या फिर तहरी बना लेते हैं। तो आज लेट हो गया था खाना बनाने में, तो मेरे भी दिमाग में यही आया कि काफ़ी टाइम से तहरी नहीं बनाई, तो आज हम तहरी बना लेते हैं। तो मैंने सबसे पहले तो चावल रख दिए भिगोने के लिए, क्योंकि बासमती राइस जब 1 से 2 घंटे भीगते हैं ना, तो उसके बाद वो बहुत टेस्टी बनते हैं। तो सबसे पहले मैंने राइस भिगो के रख दिया है। आपको पहले से अच्छे से धुल लेना है। बस जब धुले ना आप इसे, तो जब भी आप बासमती चावल धुले तो ये ध्यान रखें कि इसे आपको हल्के हाथों से ही मलना है, जिससे कि ये टूटे ना और बाद में खिले खिले बने। तो मैं इसे धुल अच्छे से 3-4 पानी धुल के और इसे भिगो के रख दूँगी। जब तक ये भीगेंगे तब तक आप वेजिटेबल्स कट कर लीजिए, नहीं तो अदर कोई काम कर लीजिए। अगर आप लहसुन प्याज खाते हैं तो लहसुन प्याज इसमें आप ज़रूर से डालिए, नहीं खाते तो स्किप कर सकते हैं। तो मैंने ले लिया है प्याज, लहसुन, आलू, ये सारी चीज़ें हम पहले क्लीन करके रख लेते हैं। मैंने 2 प्याज लिया है करीब 3 कप चावल के लिए, और लहसुन लिया है। लहसुन प्याज पीस के डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, आप ऐसे भी इसे डाल सकते हैं। और 2 आलू लिए हैं मैंने, इन सभी को हम धुल लेंगे, क्योंकि आजकल प्याज भी नहीं है और लहसुन भी, मतलब धुल के ही यूज़ करें तो ज़्यादा ठीक रहता है अगर साफ़ नहीं है। थोड़ी बहुत गंदगी तो निकलती ही है। प्याज को मैंने नॉर्मली चॉप कर लिया है, कोई बहुत ज़्यादा बारीक, हमें ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं कि बारीक ही काटना है, नॉर्मल आप चॉप कर लीजिए। लहसुन काट लीजिए, फिर इसके बाद आलू को मीडियम साइज़ में कट कर लीजिए। अभी सारी चीज़ें जो काटने वाली थी वो हम काट चुके हैं। अब मैंने रखा है सोयाबीन, पानी गर्म होने के लिए इसमें डाल दिया मैंने 1/2 कप सोयाबीन। इसे भी हम अच्छे से भिगो लेंगे, उसके बाद धुल के निचोड़ के साइड में रख लेते हैं। अगर आपको सोया चंक्स पसंद हो तो ही डालिए, नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। फिर मैंने रखा कुकर, कुकर में डाला मैंने थोड़ा सा तेल और 1 बड़ा चम्मच मैंने इसमें घी डाल दिया। अगर आप घी से छौंकेंगे ना तो फ्लेवर बहुत अच्छे आएंगे, तो घी ज़रूर डालिए छौंकते समय। फिर डाला मैंने इसमें जीरा, तेज़पत्ता, आप और भी खड़े मसाले डालना चाहे तो डाल सकते हैं, लहसुन डाल दिया और उसके बाद प्याज डाल दिया और इन सभी को अच्छे से भून लिया। थोड़ी सी हरी मिर्च डाल दी, प्याज को तब तक भूनी जब तक हल्का सा उसका कलर ना चेंज हो जाए, बहुत ज़्यादा आपको लाल नहीं करना है, जितना कि हम तड़के में करते हैं उतना लाल आपको प्याज को नहीं करना है। फिर टमाटर डाल दिया, मैंने 1 ही डाला है, आप 2 टमाटर डाल सकते हैं 3 कप चावल में। फिर सारे मसाले, नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, बस सब्जी मसाला इसमें नहीं जाएगा। आप अगर फ्लेवर चाहते हैं, टेस्ट चाहते हैं, तो आप मैगी मसाला डाल सकते हैं। अब ये सारे स्पाइसेस डालने के बाद मैंने इसमें डाला आलू, मटर, थोड़ा सा मैंने इसे पनीर काट के डाला, थोड़ा काजू और थोड़े से सोया चंक्स। यकीन मानिए पुलाव बने तो बहुत सिंपल है, इनमें आप कुछ चीज़ें स्किप करना चाहें ना तो कर सकते हैं। और थोड़ा सा सब्जियों को भून लीजिए, उसके बाद इसमें जो भीगे हुए राइस थे ना उन्हें डाल दीजिए। चलाते समय ध्यान रखिएगा, हमेशा किनारे से चला के इसे गोल घुमाइएगा, नहीं तो चावल टूट जाएंगे, फिर जो तहरी है ना वो अच्छी नहीं बनेगी। मतलब खाने में अच्छी होगी पर देखने में अच्छी नहीं बनेगी, क्योंकि मैंने चावलों को 2 घंटे सोख किया था, तो मैंने बहुत ही थोड़ा इसमें 1 अंगुल तक पानी लिया है, मतलब जितना लेवल है ना राइस का उससे थोड़ा सा ऊपर, सिर्फ 1 अंगुल पानी डाल के मैं इसे बना लूँगी, क्योंकि स्टीम राइस है, बहुत जल्दी पकते हैं और 3 विसल आने तक हम इसे पकाएंगे। 3 विसल में अक्सर करके जो राइस है ना वो पक ही जाते हैं। तो अब जब खुद से बिल्कुल मतलब गैस ख़त्म हो जाए ना, उसके बाद ही आपको इसको खोलना है कुकर को, वरना जो राइस है वो हल्के से टाइट रह जाएंगे। और देखिए चावल कितने खिले खिले बने हैं। कभी कभी चावलों के ऊपर डिपेंड होता है कि आपकी राइस में कितना पानी लगता है, उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। और मैंने आज तक कभी भी कढ़ाई में राइस नहीं बनाया, मतलब ये तहरी मैंने जो बनाई है ना, कभी मैंने आज तक कढ़ाई में नहीं बनाई भगोने में, उसका मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। पर कुकर में आप इतना ही पानी रखिएगा, बहुत अच्छी तहरी बनेगी। ऊपर से डाला हरा धनिया और उसके बाद गर्मा गर्म से सर्व करिए। आपको अगर ऊपर से भी घी पसंद है तो ऊपर से भी खूब सारा घी डालिए, दही और सैलेड के साथ इसे गर्मा गर्म सर्व करिए। तो बहुत टेस्टी बनी थी, तो ज़रूर से ट्राई करें अगर नहीं ट्राई की अभी तक। और वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना, और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। तो मिलते हैं फिर किसी नई ऐसी ही इजी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और जय माता दी।